एक हफ्ते के अंदर अगर राजकीय सम्मान के साथ अमर सेनानी सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है तो एक हफ्ते के बाद मैं भूख हड़ताल पर। अमर सेनानी सिद्धू कान्हू जी वो शख्सियत थे जिनसे कई एक हजारों नौजवानों ने सीखा कि शहीद होना क्या। लेकिन हम कांग्रेस के ही कुछ ऐसे बड़ी कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि जयराम ने क्या किया। आंदोलनकारी के बेटे ने जब से सत्ता संभाला आंदोलन की छूट मिली और आंदोलन को एक नया तरीका देने का काम जयराम ने किया। दोनों माटी के वीर सपूतों को मैं सलाम करता हूं। भ्रष्टाचार का सबसे मूल जड़ है राजनेता, बिचौलियों के थ्रू जाते हैं, जो काम फ्री में होना है उस काम का 500-700 भी दे देते हैं और बाद में जब उस काम में कुछ देरी होता है तो मेरे कार्यालय पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया मैंने उसको दिया था काम नहीं हुआ। कुछ पैसा दिया था क्या? हाँ भैया दिया था। लोग आपको बोलेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से हमें लाभ मिला है, आप विश्वास नहीं करोगे। ईमानदारी पूर्वक किसी काम का औचक निरीक्षण मैं करने जाता हूँ तो संवेदक अपने स्टाफ को बोलते हैं कि उनसे बात कर लो ना, कुछ चाहिए होगा। इतना आसान समझ लेते हैं, बहुत ही आसान समझ लेते हैं। उन्हें तो लगता है कि भाई नेता इसीलिए आया ही है मेरे पास कि इसे कुछ चाहिए। गवर्नर ने आंदोलनकारियों के आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चार्ज किया, लगातार किया, हर बार किया, हमारी बहनों पर किया, हमारे भाइयों पर किया। रघुवर दास की दमनकारी नीति इतनी भयावह थी कि 1985 जब रघुवर दास ने लागू किया विरोध में आवाज तक नहीं उठाया लोगों ने, लोग डरे हुए थे। चर्चा का विषय रहा जब हुल दिवस आईटीआई मोड में जिला स्तरीय नेतागण मना रहे थे तो चास प्रखंड के विश्वोत्तरीय अध्यक्ष महावीर दा इन्होंने उस कार्यक्रम का विरोध किया। आखिर क्यों विरोध किया हुआ, क्या वजह? ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार नमस्कार, जय मां अम्बे। आज पूरे झारखंड प्रदेश के लिए गर्व का दिन था, आज हुल दिवस था। हुल का अर्थ होता है क्रांति, जिनसे हमने क्रांति क्या है वो सीखा। उन अमर सेनानियों को आज के दिन याद किया जाता है, हमारे अमर सेनानी सिद्धू कान्हू जी को, चांद भैरव जी को। तो हर वर्ष हमारे महागठबंधन के बड़े भाई जेएमएम के तरफ से आईटीआई मोड़ स्थित सिद्धू कान्हू चौक में हुल दिवस मनाया जाता है। तो पिछले 3 वर्षों से यहाँ एक दुर्घटना घटी थी जिस कारण से पूर्व में जहाँ सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा थी वो क्षतिग्रस्त हो गया था। ये 3-4 वर्षों पूर्व की बात है। क्षतिग्रस्त होने के बाद आनन फानन जिला प्रशासन ने उस पर लाल कपड़े से उसे ढक दिया था और तुरंत एक स्थल चयन करके नए जगह पे सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा को स्थापित किया। स्थापना के बाद से ही कार्यक्रम जेएमएम के तरफ से जो किया जाता है हर वर्ष हुल दिवस के दिन वो किया जा रहा था। पर खंडित प्रतिमा को, ये दुख का विषय है, खंडित प्रतिमा को आज तक ससम्मान विसर्जित नहीं किया गया। वो इसी तरह सड़क पर पहले जहाँ पे था वहाँ पे लगा हुआ है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, हर वर्ष मैं जेएमएम के आला नेताओं से आग्रह करता हूँ कि ससम्मान खंडित प्रतिमा का विसर्जन कर लें, उसके बाद आप हुल दिवस के अवसर पर कोई कार्यक्रम करें। हुल दिवस के अवसर पर कोई भी कार्यक्रम करना अपने शहीदों को सम्मान देना है, अपने अमर सेनानियों को सम्मान देना है, पर खंडित प्रतिमा के समीप आप कार्यक्रम कर रहे हो और खंडित प्रतिमा पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये उन शहीदों का अपमान है। मैं बोलते बोलते थक गया, आज मजबूर था। आज सुबह हुल दिवस के अवसर पर मैं अमर सेनानी के चरणों में गया, वंदन किया मैंने और उस कार्यक्रम का, जेएमएम के द्वारा जो कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम का मैंने विरोध दर्ज कराया, सिर्फ और सिर्फ यही कारण। आप अगर चाहते तो प्रतिमा का विसर्जन करवा सकते थे, क्यों नहीं किए? बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। आज जब मैंने विरोध किया था तो कई एक लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप इसे सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाह रहे हो, आप भी तो विश्वोत्तरी के अध्यक्ष, आपने क्यों नहीं किया? तो देखिए, एक होते हैं शहीद जो हमारे आज़ादी के लिए, हमारे जान माल की सुरक्षा के लिए अपने आप को इस
कुर्बान कर देते हैं, और एक होते हैं अमर शहीद, अमर सेनानी, इनसे प्रेरणा होकर लोग शहीद होते हैं। अमर सेनानी सिद्धू कान्हू जी वो शख्सियत थे जिनसे कई एक हजारों नौजवानों ने सीखा कि शहीद होना क्या है। तो हमारा हमेशा से ये मानना रहा, और हमने हमेशा ये रिक्वेस्ट किया जेएमएम के आला नेताओं से कि राजकीय सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके खंडित प्रतिमा का विसर्जन किया जाए। अब राजकीय सम्मान आप जान रहे हैं, ये जिला स्तरीय राज्य स्तरीय मैटर है, तो जिला स्तरीय इस मैटर को महागठबंधन की सरकार है, तो महागठबंधन में हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जिला अध्यक्षों को चाहिए कि वो माननीय उपायुक्त के साथ मिलकर इस संदर्भ में बात करें और ठोस परिणाम निकालते हुए राजकीय सम्मान के साथ इनका विसर्जन करें। मेरे हाथ में होता तो मैंने अब तक कर दिया। आगे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अगर हमारे अमर सेनानियों का सम्मान नहीं होगा तो हमें खुलकर अपने पूर्वजों के लिए, अपने सेनानियों के लिए आवाज़ उठानी होगी। एक हफ्ते के अंदर अगर राजकीय सम्मान के साथ अमर सेनानी सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है तो एक हफ्ते के बाद मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। आप कांग्रेस नेता हैं, बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के ही कुछ ऐसे बड़े कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि जयराम ने क्या किया। देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी अपने अपने विचार रख सकते हैं। अब उन्होंने ये क्या सोचकर, कि पता नहीं आप किनके विषय में बोल रहे हो, क्या सोचकर उन्होंने ऐसा कहा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझसे पूछते हो आप कभी भी तो मैं तो बताता हूँ कि उसने क्या किया। जी, क्या किया? सोए हुए झारखंडियों को जगाया, आंदोलन से आपको हक मिलता ये सिखाया, आंदोलन करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग, सत्ता के लोग या विरोधी लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, नुकसान की परवाह ना करो, हक के लिए लड़ते रहो, यही असली झारखंडी की पहचान है। ये झारखंडियों के मानस पटल पर इस विचार को डालने का काम जयराम ने किया है मेरी नज़र में। अब जिन्होंने भी आपको कहा है उनके अपने विचार है, मैं किसी के विचार को। हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं किया अब तक 4 साल, ये भी तो लोग कह रहे हैं। अब जो ये कह रहे हैं, शायद उन्होंने सर्वजन पेंशन का लाभ अभी तक नहीं लिया है, ले लीजिए। हेमंत सभी बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन का लाभ दिया है। जिस सरकार के अधिकारियों से मिलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था पूर्ववर्ती सरकार में, रघुवर दास जी सरकार में, वो सरकार को, उस उन अधिकारियों को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम माननीय हेमंत साहब ने किया, और एक बार नहीं दो दो दफे किया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। जिस प्रखंड का मैं अध्यक्ष हूं, उस प्रखंड के कई एक गांवों में मैं आपको ले जा सकता हूं, कई एक पंचायतों में ले जा सकता हूं, हजारों लोग आपको बोलेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से हमें लाभ मिला है। तो जिन्हें ये सब पता नहीं है, शायद उन्होंने लाभ नहीं लिया है, तो उनको फिर मौका मिलेगा लाभ। कमेंट में लोग ये कह रहे हैं कि जो किया नहीं किया रघुवर किया। रघुवर ने किया, रघुवर ने लाठी चार्ज किया, हेमंत जी ने भी तो किया। रघुवर ने आंदोलनकारियों के आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चार्ज किया, लगातार किया, हर बार किया, हमारी बहनों पर किया, हमारे भाइयों पर किया, और वही कारण था, मैं आपको बता रहा था ना कि जयराम ने क्या किया, आपने पूछा था, मैंने कहा कि जयराम ने आंदोलनकारियों को आंदोलन करना सिखाया, तो वो आंदोलन करना भूले कब थे, जब रघुवर दास की लाठी चल रही थी, जब हमारी बहनों पर चला, जब हमारे भाइयों पर चला। स्थिति ये हो गया था कि 1985 तक लागू कर दिया रघुवर दास ने। रघुवर के समय में भी तो कोई आंदोलन, पहले आप सुन लो, रघुवर दास की दमनकारी नीति इतनी भयावह थी कि 1985 जब रघुवर दास ने लागू किया, विरोध में आवाज तक नहीं उठाया लोगों ने, लोग डरे हुए थे। तो आंदोलनकारी के बेटे ने जब से सत्ता संभाला, आंदोलन की छूट मिली, और आंदोलन को एक नया तरीका देने का काम जयराम ने किया। दोनों माटी के वीर सपूतों को मैं सलाम करता हूँ। दोनों माटी के वीर को सपूतों को आप सलाम करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन कमेंट में ये आता है कि हेमंत ने क्या किया। हेमंत तो हड़ियादारों की सरकार है।
मैं कमेंट पे नहीं जाऊंगा, कमेंट इसी क्षेत्र की जनता कर रही है, झारखंड की जनता कर रही है, सभी अपने हैं। लेकिन अगर किन्हीं को, मैंने कहा तो आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि किन्हीं को अगर लग रहा है कि हेमंत ने क्या किया, तो सर्वजन पेंशन की सफलता को एक बार देख ले ऑन रिकॉर्ड। सरकार, मैं खुद भाई किसान लोन लेके फंस गया था, मेरे पास कई बार नोटिस आया था, एक रुपये में मेरा भी लोन को माफ कर दिया गया। मैं, मेरा कहना है कि अधिकारियों से मिलने में लोग सोचते थे, और अधिकारी को आपके घर तक पहुंचाने का काम हेमंत साहब ने किया है। हजारों लाभों के मेरे प्रखंड क्षेत्र में मैं दिखा सकता हूं। ये भ्रष्टाचार जो व्यापक है हर क्षेत्र में, देखिए ईमानदारी से इसमें इसका जवाब देना चाहूँगा, मेरे कई साथियों को भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात सत्य है। ये भ्रष्टाचार का जड़ लोगों के, खासकर राजनीतिक लोगों के मन में और शरीर में ऐसा मतलब फैल चुका है ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ईमानदारी पूर्वक किसी काम का औचक निरीक्षण मैं करने जाता हूं तो संवेदक अपने स्टाफ्स को बोलते हैं कि उनसे बात कर लो ना, कुछ चाहिए होगा। मैंने इतना आसान समझ लेते हैं, बहुत ही आसान समझ लेते हैं। उन्हें तो लगता है कि भाई नेता इसीलिए आया ही है मेरे पास कि इसे कुछ चाहिए। ये अब जैसे भू माफियाओं के खिलाफ लड़ूं तो माफिया लोग प्रयास करने लगते हैं खरीदने का, संवेदक चाहे भवन निर्माण पे जाएं, चाहे सड़क पर जाएं या कहीं भी जाएं, जहां जहां मैं पहुंचता हूं उस जगह खरीदने का मुझे प्रयास किया जाता है। तो समझ में आता है मुझे, ये खरीदने का प्रयास क्या मेरे से ही शुरू है? नहीं, कई एक लोगों को प्रयास किया जाता है, कई एक लोग बिकते हैं, तभी जाकर उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो लोग किसी को भी ऑफर कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार का जड़ खासकर प्रखंड और अंचल में मैं देखता हूं। यहाँ के लोगों की भी गलती है, आवेदकों की भी गलती है, खुद नहीं जाएंगे अधिकारियों के पास, बिचौलियों के थ्रू जाते हैं, जो काम फ्री में होना है उस काम का 500-700 भी दे देते हैं, और बाद में जब उस काम में कुछ देरी होता है तो मेरे कार्यालय पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया मैंने उसको दिया था, काम नहीं हुआ, कुछ पैसा दिया था क्या? हाँ भैया दिया था, मैं गेट आउट, निकलो यहाँ से। तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार कुछ लोग, कुछ युवा के कारण से भी होता है, जो आवेदक बनकर अधिकारियों से नहीं मिलते हैं, बिचौलियों के थ्रू जाते हैं, भ्रष्टाचार वहाँ भी बढ़ता है। भ्रष्टाचार इन ठेकेदारों के कारण से जिन्होंने खरीद के रखा है, और भ्रष्टाचार का सबसे मूल जड़ है राजनेता, मूल जड़ है नेता, हर पार्टी के नेता अधिकारियों के पास जाते हैं इसी काम से, कुछ मिल जाए। मैंने फील किया है, सरकार का अंग हूं मैं, और मैंने फील किया है कि जब मुझे खरीदने का इस तरह से इतना सॉफ्ट प्रयास किया जा सकता है, अरे देखो ना कुछ लेने के लिए आया हो, तो सोचिए कि कहां तक बिक चुके हैं राजनेता। तो भ्रष्टाचार का जो मुख्य वजह है वो बता रहे थे भैया, और जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दिया है कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर सिद्धू कान्हू जी की जो प्रतिमा टूटी है, खंडित हो गई है, उसको अगर राज के सम्मान के साथ में विसर्जन नहीं किया जाता है तो महावीर दा जो 40 प्रखंड बिसूत्री के अध्यक्ष हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इनसे मैंने कई सवाल भी पूछे, आप लोग मेरे सवाल से कितना सहमत हैं अपना कमेंट जरूर रखिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।